अभी अभी मैं बाद में लूँगा ना, अब इधर आ जाओ ना, तुम इधर आ जाओ ना। आज हम फिर देवभूमि उत्तराखंड की धरती, जो पावन धरती है, कुंभ मेला नगरी है, हरिद्वार से जो भल्लाकुली स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत से राज्यों के प्रवासी आए हैं जिन्हें यहाँ से रवानगी होनी है, और यहाँ पे भोजन वितरण का कार्य चल रहा है। जो युवा क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा भोजन का लगातार आज 53वां दिन चल रहा है, और जो कि बिल्कुल बैठा कर इन्हें भोजन बड़े प्यार से खिलाया जाता है, और इनका यही उद्देश्य रहता है कि कोई यहाँ पे भूखा ना रहे और कोई भूखा ना सोए, ये ऐसे ही प्रयास लगातार करते जा रहे हैं। और गंगा मैया की बहुत बड़ी कृपा रहती है कि जो गंगा मैया के नगरी में आता है और उनकी शरण में आता है, वो कभी यहाँ से हरिद्वार से कभी भूखा नहीं जाता है। तो उनमें जो इस समिति के द्वारा जो भोजन वितरण कार्य कर रहे हैं, मैं उनके कुछ सदस्य से परिचय कराता हूँ। हमारे सामने पवन जी हैं, और हम पवन जी से कुछ इसके बारे में पूछेंगे कि आप लोग कैसे भोजन वितरण कार्य करते हैं, कैसे अपना समय निकालते हैं, क्योंकि इस समय पूरे हमारे भारतवर्ष में और विदेशों में भी जो लॉकडाउन चल रहा है, और इसमें जो है बड़े सावधानी का संयम बदलना पड़ता है। तो मैं पवन जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भोजन वितरण इसी समय कराते हैं? हाँ, 6:30-6:30 के ही हम भोजन वितरण करा देते हैं। जी जी जी, तो आप लोग भोजन वितरण का कार्यक्रम जो है, इस कार्य मतलब जो समिति आप युवा विकास समिति द्वारा आपका भोजन वितरण कार्य किया जाता है, और कितने लोग आप लोग इस भोजन वितरण का संचालन कर रहे हैं? लगभग हमारे 25 लड़के हैं और करीब 15-20 हमारी टीम में महिलाएं टीम है। जी जी। जो कि बेचारी सुबह से लेके और शाम के 4-5 बजे तक पूरी वगैरह वो बनाती है। जी जी। और जो लड़के हैं, आजकल तो पिछले कुछ दिनों से पुलाव का कार्यक्रम चल रहा है। जी जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पवन जी, आप लोग जो भोजन वितरण कार्यक्रम कराते हैं, ये सभी को भोजन बड़े दिखने में आ ही रहा है, सभी लोग बैठ के अपना भोजन ले रहे हैं और बड़े प्यार से आप लोग भोजन इन्हें करवा रहे हैं, तो आप जो ये भोजन की व्यवस्था किस तरह से करते हैं आप लोग? ये सभी भोजन की व्यवस्था जो है, हमारे भाई बंधु जो भी हैं, हमारे मित्र हैं, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो अन्नदाता हैं, वो हमको प्रोवाइड करा देते हैं। कोई पैसा देता है, कोई चावल देता है, कोई तेल देता है, कोई आटा देता है, कोई सब्जी देता है, कोई चना देता है, कुछ भी देता है, तो उन्हीं के माध्यम से चल रहा है, उन्हीं के सूत्र हैं। बस हम सभी दानदाताओं का भी धन्यवाद करते हैं कि जो इन्होंने हमारी टीम पर विश्वास जताया, और जो है हमें लगातार 53वां दिन हो गया है, आज किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से संचालन हो रहा है, और हमारे पावन धरती है उत्तराखंड की, हमें इसमें जो है हमारा उद्देश्य रहता है कि कोई भूखा ना रहे, और बस हम यही गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे होते हुए हमारे पावन धरती पे जो भी भाई बंधु आए हैं, प्रवासी लोग आए हैं, वो हमारा ये ना कहे कि जा करके कि हरिद्वार के लोग ऐसे हैं, हरिद्वार के लोग वैसे हैं, और वहाँ पे हमें भूखा रहा है, हमें खाना नहीं मिला है। हमारा उद्देश्य रहता है कि कोई भाई बहन, बंधु, माता, बुजुर्ग लोग, प्रवासी भाई, कोई भी भूखा ना रहे, और छोटे बच्चों के लिए भी हमने दूध की व्यवस्था की हुई है सुबह और शाम की, और चाय की, और दोपहर में हम गुड़ चना भी देते हैं। तो पवन जी, आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश और मतलब पूरे ही आजकल तो पूरे वर्ल्ड में ही लगा लीजिए कि ये कोरोना का जो कहर चल रहा है, तो आप लोगों क्या इसमें जो आप लोग 53 डेज बता रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग आजकल घरों में हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं इस डर के मारे, लेकिन आप 53 डेज कंटिन्यू आप भोजन वितरण कर रहे हैं, तो आपको जैसे आपके परिवार में सदस्य होते हैं, क्या उनको आपको डर नहीं लगता कि? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन जो है केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उन पर जो है हम काम करते हैं। मास्क है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है,
और गंगा मैया की मेहर इतनी बड़ी है कि हमें आज 53वां दिन हो गया, हमारी जो टीम के जितने भी मेंबर हैं जी जी और उनके बच्चों को लेकर के और हमें भी लेकर के किसी भी प्रकार का ना तो जुखाम हुआ है, सिर में दर्द बुखार तक कुछ नहीं हुआ और हमें खाना खिला करके अपने आप को कोरोना महसूस करते हैं कि इतना अच्छा लगता है हमें कि आराम से रात को आराम से नींद आती है, किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी प्रकार का जो है टेंशन नहीं रहती है। जी जी जी। तो पवन जी, जैसे कि आप लोग सभी, आपके जो साथी युवा साथी सारे युवा लग रहे हैं, तो इसमें आप लोग जॉब भी करते होंगे, कैसे समय निकालते हैं? देखो लॉकडाउन में तो एक्चुअली क्या था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने पूरा ही देश लॉकडाउन कर दिया था, तो हमने सोचा था घर में बैठ कर क्यों ना हम जो है लोगों की सेवा करें, हमने तो एक दिन के लिए सोचा था कि एक दिन में हम पुलाव बांट लेंगे और हमने किया भी, लेकिन गंगा मैया की ऐसी कृपा रही कि आज हमारा 53वां दिन हो गया है, लोगों ने इतना दान दक्षिणा भी दिया है और अभी भी दे ही रहे हैं जिससे कि हमारा कंटिन्यूसली हमारी रसोई चल रही है। पवन जी एक चीज़ बताइए, आप मतलब लगातार लगभग कितने लोगों का भोजन वितरण करते होंगे? लगभग हम 700 से 800 लोगों के बीच में हमारा भोजन वितरण चलता है। जी जी, अभी भल्ला कोली स्टेडियम में चल रहा है जो भोजन वितरण कार्य, इससे पहले भी आपके द्वारा भोजन वितरण कार्य? इससे पहले जो भोजन वितरण कार्यक्रम था हमने पुरुषार्थी मार्केट रेलवे स्टेशन के सामने 300 से 400 पैकेट वहाँ बनते थे, फिर हमने गड्ढा पार्किंग जो है प्रशासन से हमारे मित्र लोग थे कि यार वहाँ पे दो, यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी होने लगी थी स्टेशन के सामने, लोगों ने खाना फेंकना स्टार्ट कर दिया था, तो हमने गड्ढा पार्किंग में भी जो है खाना दिया और वहाँ पर भी काफ़ी लोग थे प्रवासी भाई गड्ढा पार्किंग हरिद्वार में, और बिरला घाट और हमारा जो ये अब आपका हनुमान घाट है यहाँ पर भी कम से कम 100 से 150 पैकेट जो है हम देते थे। जी जी जी। तो मैं आप अगर अभी तो अभी पता नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, क्या आपके माध्यम से आपके जो क्षेत्रीय विकास समिति है उसके माध्यम से क्या अभी भी लगातार आप लोग भोजन जो है वितरण करते रहेंगे, इन लोगों को भोजन प्रोवाइड कराते रहेंगे? हाँ, गंगा मैया ये तट पर हैं तो गंगा मैया का आशीर्वाद रहा तो जब तक लॉकडाउन चलेगा और जब तक कि शायद हमारी रसोई भी चलती रहेगी। तो आपके कुछ सदस्य मिला सकते हैं आप लोग? हमारे सदस्य उपेंद्र भाई जी भी हैं इधर। उपेंद्र भाई जी प्लीज़ कम हियर। ये हमारे उपेंद्र भाई जी हैं। उपेंद्र भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समिति में जुड़े हैं और लोगों को भोजन वितरण करा रहे हैं। और हमारे दीपक भाई भी हैं, सुनील कुकरेती जी हैं, आयुष छेत्री जी हैं, हम सुरजीत भाई हैं, यशपाल भाई हैं, जी जी यशपाल रावत जी हैं, जयपाल रावत जी हैं, जी जी और प्रेमपाल जी भी हैं, सभी टीम में लगे हुए हैं, सभी खाना वितरण करने पे लगे। अच्छा, इस भोजन वितरण के अलावा आप लोग जो हमारे जो अनेक क्षेत्र से लोग आए हुए, तो आप क्या उनकी कुछ समय देकर इनकी मदद भी करते हैं? मदद करते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे कोई हमसे बोलता है कि भैया हमको अभी ये बस आई है, हमको खाना नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास गुड़ चना पड़ा हुआ है तो गुड़ चना भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। अभी कुछ समय पहले सुनने में आया था कि आप एक महिला जो 7 महीने की महिला ही थी, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी, आपने उनको मतलब उनके क्षेत्र जाने के लिए काफ़ी कोशिश की? काफ़ी वो पीलीभीत की रहने वाली थी, काफ़ी कोशिश की है, पर हमने उनका मेडिकल भी कराया, थोड़ा सा अगर प्रशासन का हमको सहायता मिल जाती तो शायद वो बेचारी अपने घर पहुंच जाती, लेकिन प्रशासन ने हमें थोड़ी हेल्प नहीं करी। और फिर प्रशासन ने क्या किया कि जहाँ से वो आए थे रोशनाबाद से, उनको फिर उनको वापस उसी जगह भेज दिया गया। और इसके अलावा आप के माध्यम से कोई व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे जो दूर दराज से महिला आ रही हैं, जैसे बहुत सी शौचालय की समस्या है, इतना बड़ा ग्राउंड है नहीं हो सकता इसके लिए, महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो इसके माध्यम से आप इधर शौचालय बने हैं, हमें पता चला कि ये भी आप लोगों के जरिए ही जो है हुआ है इसका काम। अभी माननीय हरवीर सिंह जी जो सचिव भी हैं और अपर मेला अधिकारी हैं, दीपक रावत जी जो हैं मेला अधिकारी जी हैं, वो उनके संज्ञान में आई थी खबर कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, तो हमने उनके संज्ञान में डाली थी और आज हमने टाउन हॉल के पास जो एक 2 टंकी और वहाँ पे साफ सफाई मिट्टी डलवा करके उनके सौजन्य से और 3 टॉयलेट 2 महिलाएं और 1 पुरुष को बनाया गया, और यहाँ के जो पुरुष हैं जो बेचारे मोबाइल चार्जिंग के लिए, उनके लिए भी निःशुल्क चार्जिंग पॉइंट हमने रखा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है पवन कोहली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनकी जो क्षेत्रीय विकास समिति है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और माँ
गंगा से हटना भी चाहूँगा कि जो हमारे भाई बंधु हैं एक करोड़ योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, और वैसे भी ये उत्तराखंड की जो है देवभूमि है, और ये हरिद्वार जो पावन धरती है, और जो कि कभी अपने बच्चों को भूखा पेट नहीं रखती है, और समय समय पर ऐसे ही जो हमारे भाई लोग हैं मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो मैं इन सभी भाइयों का कई दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।